नमस्कार, मैं हूं अमित और खबरों के सुपर फास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भारत और चीन के बीच गहराया विवाद। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद। भारत चीन सीमा के सभी चौकियों पर हाई अलर्ट जारी। सीमा पर तनावपूर्ण हालात बरकरार। चीनी मीडिया ने दबाई लद्दाख में भारत के साथ मुठभेड़ की खबरें। मारे गए पीएलए के सैनिकों की जानकारी भी नहीं। चीन के भी 43 जवानों के हताहत होने की खबर। ड्रैगन के सामने बेखौफ डटे रहे लद्दाख के चरवाहे। सेना के लिए आंख नाक और कान की तरह करते हैं काम। झड़प के बाद सेना का बढ़ा रहे हैं हौसला। गलवाना घाटी में जवानों की शहादत पर बोले पीएम मोदी, जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते मरे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत चीन झड़प के मसले पर पीएम से मांगा जवाब। वीडियो संदेश में कहा, इसे नाजुक मसले पर पीएम मोदी को देश के सामने आना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि चीन ने कैसे भारतीय सरजमी पर कब्जा किया। चीन बॉर्डर पर हुई हिंसा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। गालवान में भारतीय जवानों का जान गंवाना बेहद पीड़ादायक। जवानों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा राष्ट्र। भारत चीन झड़प पर 36 घंटे बाद सरकार का बयान। पीएम मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। चीन से निपटने की बनाई जाएगी रणनीति। 20 जवानों की शहादत के बाद देश भर में विरोध। बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, आखिर चुप क्यों हैं पीएम मोदी। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने की चीन की हिमाकत की कड़ी निंदा। चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर जताया विरोध। तो वहीं शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। भारत चीन की सीमा पर झड़प के बाद लोगों में आक्रोश। अजमेर में युवाओं ने किया चाइनीज सामान का बहिष्कार। चाइनीज उत्पादों की जलाई होली। अलवर के बाजरी कला में युवाओं ने जलाई चीनी उत्पादों की होली। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। तो वहीं चीनी उत्पादों का किया बहिष्कार। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। अब तक 82 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,45,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा दम। 43 लाख से ज्यादा हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,54,000 के पार। तो अब तक 11,903 संक्रमितों ने तोड़ा दम। वही 1,86,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। कोरोना की पहली दवा मिलने का दावा। डेक्सामेथासोन से ठीक हो रहे हैं कोविड-19 के मरीज। ट्रायल के शुरुआती नतीजों का WHO ने किया स्वागत। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करीब 2,000 कोरोना संक्रमितों पर किया ट्रायल। प्रारंभिक रिपोर्ट में डेक्सामेथासोन दवा की सफलता का दावा। कहा, कई संक्रमितों की जान बचाने में कामयाब रही यह दवा। आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा से विधायक आतिशी मर्लिन कोरोना पॉजिटिव। आतिशी ने 16 जून को कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट आ जाई है। फिलहाल आतिशी को हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। 8 साल बाद आज 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। भारत पाकिस्तान बोला, यह खुशी नहीं बल्कि फिक्र की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुख्यमंत्रियों से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कोरोना पर चर्चा। महामारी के खिलाफ लड़ने और इनके संक्रमण के विस्तार को नियंत्रण करने के दिए निर्देश। भारत चीन सीमा पर तनाव का शेयर बाजार पर साया। शेयर बाजार में आई गिरावट, 250 अंक लुढ़का सेंसेक्स। तो वहीं निफ्टी में भी 70 अंकों की गिरावट। सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली सरकार को चेतावनी। कहा, दुर्दशा उजागर करने वाले डॉक्टर्स को न करे प्रताड़ित। सच्चाई को दबा नहीं सकती दिल्ली सरकार। दिल्ली बीजेपी ने की 3 निगमों के महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी बहुमत में है। यूपी के रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन की नापाक हरकत का दिया विरोध। जवानों की शहादत को किया सलाम। यूपी के हरदोई में पुरुष और महिला सिपाही को चला टिकटॉक का बुखार। वर्दी पहनकर कार्यालय के अंदर बनाया वीडियो। महिला पुरुष सिपाहियों के टिकटॉक का हुआ वीडियो वायरल। बिलग्राम में तैनात हैं दोनों सिपाही। SP अमित कुमार ने CO बिलग्राम से मांगी रिपोर्ट। अलीगढ़ के भोरा गोरवा गांव में एक कारोबारी का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती। पत्नी से बदमाशों को 6 लाख रुपए देकर पति को कराया मुक्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के रामपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, घटना में एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस के हत्थे चढ़े चार आरोपी। यूपी के भदोही में जिला पूर्ति अधिकारी मीना सिंह ने संभाला कार्यभार, प्रवासियों के राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना बताया पहली प्राथमिकता। यूपी के रायबरेली में डफली की थाप पर नाचते गाते हुए फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, भटोकर थाना क्षेत्र के पीताम्बरपुर की है घटना। फिरोजाबाद के दिक्तोली गांव की नर्सरी में आया मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मचा हड़कंप, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रफ्तार का कहर, प्रवासी श्रमिकों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलटी, दुर्घटना में बस सवार 41 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में कलयुगी भाई ने की छोटे भाई की हत्या, गहरी नींद में सो रहे भाई की कुल्हाड़ी से काटी गर्दन, मकान के विवाद को लेकर चल रहा था झगड़ा, नरसिंहपुर चुड़ियाला गांव का है मामला। यूपी के बिजनौर में नाबालिग युवती के साथ ट्रक में दुष्कर्म, हरिद्वार से परिवार के साथ बैठी थी ट्रक में, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर के 650 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने का काम शुरू, डीएम ने मिर्जापुर गांव से किया कार्य का शुभारंभ। यूपी के झांसी में दहेज मांग का मामला आया सामने, ससुराल वालों ने बहू को निकालकर घर से किया बाहर, दहेज नहीं देने पर 3 तलाक देने की दी धमकी, पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला के मामले में कन्नौज डीएसए की बड़ी कार्रवाई, फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले जसवंत सिंह को किया बर्खास्त, मामला दर्ज करने के दिए निर्देश। यूपी के रामपुर में पुलिस ने किया ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश, साइबर सेल की मदद से 4 हैकर्स किए गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के श्रमिकों का किया गया उत्पीड़न, मजदूरी के नाम पर आसाम ले जाकर मंगवाई भीख, ठेकेदार के चंगुल से छुटकर अपने गांव पहुंचे मजदूर, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के सहारनपुर में बदमाश बेखौफ, लाखों की नकदी के साथ बदमाशों ने पार किया स्टेट बैंक का एटीएम, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में रिटायर्ड फौजी ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, मानसिक तनाव के चलते उठाया कदम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके हुए महसूस, रिक्टर स्केल पर मापी गई 2.5 तीव्रता, महाराष्ट्र का पालघर रहा भूकंप का केंद्र, तो वहीं अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले ने पकड़ा तूल, सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप, तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया गवाह। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, आज से शुरू हुई कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग, सीएम अशोक गहलोत ने की सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन का हुआ संबोधन। राज्यसभा चुनाव की रणनीति में जुटी बीजेपी, मतदान प्रक्रिया को लेकर डमी वोटिंग सत्र का आयोजन, तो वहीं विधायक दल की बैठक से पहले शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बीकानेर के कोलायत में कोरोना संक्रमण को लेकर हेड कांस्टेबल कर रहे हैं जागरूक, रावनेरी बस स्टैंड पर वितरित किए गए मास्क, लोगों से की सरकार की गाइडलाइन की पालना की अपील। बीकानेर के खाजुवाला में परीक्षा केंद्रों को किया जा रहा है सैनिटाइज, सरकार की गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन, सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना अनिवार्य। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर पुलिस ने सभी को लिया हिरासत में। भरतपुर के कावा में गौहत्या के से लोगों में रोष व्याप्त, पुलिस ने किया हत्या में प्रयुक्त औजार बरामद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के आसपुर में कनिपा कोलंबिया समाज के ने सौंपा ज्ञापन, महाराष्ट्र बिहार की तरह घुमंतू जातियों को 10% अलग से आरक्षण देने की मांग। उदयपुर के सेमारी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार जीप, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग हुए घायल। श्रीगंगानगर के घड़सारा में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां शुरू, परीक्षा केंद्रों पर कराया गया दवा का छिड़काव। पाली में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला, प्राथमिक उपचार के बाद पूर्व विधायक हायर सेंटर रेफर, मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे पूर्व विधायक, पूर्व सरपंच के इशारे से हमले का आरोप। अजमेर में 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाली के सुमेरपुर में घायल महिला की मौत, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 जून को पमावर रोड पर 2 परिवारों के बीच हुई थी मारपीट। नसीराबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों से 480 किलो गांजा बरामद, हैदराबाद से गुड़गांव ले जाई जा रही थी गांजे की खेप।
धौलपुर में चोरों ने मकान को बनाया निशाना, 50,000 की नकदी समेत घरेलू सामान किया पार। लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश। जालौर के सायला कस्बे में शराब की दुकान को हटाए जाने का मामला, ग्रामीणों ने सरपंच का जताया आभार। स्कूल के पास खुली थी शराब की दुकान। बगरू में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी, 3 महीने पुराना बताया जा रहा है भ्रूण। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में इस बार पानी की खपत हुई कम, हल्की बरसात में ही सभी बांधों के ओवरफ्लो होने की संभावना। मानसून की तैयारी में जुटा सुमेरपुर नगर पालिका प्रशासन, बरसात के समय हो जाते हैं बाढ़ जैसे हालात। पाली के देसूरी में तीसरी बार टिड्डी दल का हमला, सिंदरेली मोरखा और सरथू में पहुंचा टिड्डी दल, परेशान किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास। जालौर के आहोर में यातायात पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे चालान, यातायात नियमों की पालना करने की दी हिदायत। टोंक के मालपुरा में विभिन्न वादों के बीच हुई शांति समिति की बैठक, धार्मिक जुलूस के मार्गों में किया परिवर्तन, प्रशासन के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। नसीराबाद के एक मकान में आग लगने से मची अफरा तफरी, इलाके के लोगों ने मशक्कत कर आग पर किया काबू, विद्युत विभाग की सजगता से टला बड़ा हादसा। करौली जिले में गर्मी के तीखे तेवर से लोग परेशान, गर्मी के कहर से आम जनजीवन पर दिखा असर, लू के थपेड़ों ने हाल किया बेहाल। सीआईएसएफ के एएसआई को अंतिम विदाई, रुदावल के दाहिना गांव में हुआ अंतिम संस्कार, हार्ट अटैक के चलते हुआ था निधन। लद्दाख में भारतीय जवानों के शहीद होने का मामला, हिंदू सेना ने 2 मिनट का मौन रखकर जवानों को दी श्रद्धांजलि, चीन के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। बूंदी में गायत्री परिवार के सदस्य सुरेश कुमार विजय वर्गीय का संकल्प, मरणोपरांत पार्थिव के देहदान का लिया संकल्प। अजमेर में आशा सहयोगियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मानदेय के दाम पर सिर्फ 2,700 रुपये प्रति महीना, परिवार का नहीं हो रहा है गुजर बसर। जालौर के रानीवाड़ा में कांग्रेस नेता नरसिंह पड़ियार ने कई गांवों का किया दौरा, सामाजिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का किया बखान। टोंक के निवाई में मृतक महिला के नाम से भुगतान उठाने का मामला, विकास अधिकारी ने कनिष्ठ सहायक को किया निलंबित, वित्तीय अनियमितता में पाई गई दोषी। शाहबाद में खरीद केंद्रों पर अनियमितताओं का मामला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, किसानों को कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना। श्री विजयनगर में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हुई मीटिंग, संगठन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तैयार किया मांग पत्र, उच्च अधिकारियों को कराया गया अवगत। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भामा शाह ने नरेगा स्थलों में वितरित किए मास्क, नरेगा कर्मियों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने का आह्वान, सरकार की गाइडलाइन का भी करे पालन। जैसलमेर के पोखरण में चिकित्सा कर्मियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उपचार के दौरान 1.5 माह के बच्चे की मौत को लेकर सौंपा ज्ञापन, चिकित्सा कर्मी और फार्मासिस्ट को एपीओ करने का किया विरोध। दौसा के लालसोट में शोरूम के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पुलिस जुटी मामले की तलाश में। हिमथल सरकारी स्कूल में कोरोना जागरूकता के लिए पहल, पीओ रूप सिंह जाखड़ ने की पहल, स्लोगन चित्र के जरिए किया जा रहा है जागरूक। तारानगर में भाजपा की जनसंवाद वर्चुअल रैली का पोस्टर विमोचन, 20 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रैली को संबोधित। इलेवन तेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।